स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो मोस्ट वाइडली यूज स्केल है उसको हम लिकट स्केल कहते हैं तो आइए देखते हैं कि लिकट स्केल क्या है लिकट स्केल इज अ रेटिंग स्केल यूज्ड टू माइर ओपिनियंस एटीट्यूड और बिहेवियर जब हम आ, किसी भी वेरिएबल में रिस्पोंडेंट्स की ओपिनियन लेना चाह रहे हैं एटीट्यूड देखना चाह रहे हैं या बिहेवियर देखना चाह रहे हैं तो हम उनको जिस स्केल पर रेट करते हैं वो सबसे ज़्यादा यूजेबल जो है वो लिकट स्केल है इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ रिस्पांस कैटेगरीज इसमें हम जब स्टेटमेंट्स uh, डेवलप कर लेते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ के हम ओपिनियन uh, मैयर uh, कर रहे हैं एटीट्यूड मैयर कर रहे हैं या बिहेवियर मैयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स सेट डेवलप करते हैं फॉर इंस्टेंस अगर हमारा कोई क्वेश्चन जो है उसमें हम किसी चीज से एग्रीमेंट मैयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो हम रिस्पॉन्स सेट यूज करेंगे वो कुछ ऐसा होगा स्ट्रांगली एग्री एग्री डोंट नो डिसएग्री और स्ट्रोंगली डिसएग्री तो लिकट स्केल जो है उसकी तीन मेजर टाइप्स हैं एक फाइव पॉइंट लिकट स्केल होता है एक सेवन पॉइंट लिकट स्केल होता है और एक नाइन पॉइंट लिकट स्केल होता है लिकड स्केल में एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो कि जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं और उसके बाद उसमें उतनी ही रिस्पांस कैटेगरीज पॉजिटिव साइड पे होती हैं और उतनी ही रिस्पांस कैटेगरीज जो है नेगेटिव साइड पे होती हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जैसे प्रीवियस हमने रिस्पांस सेट देखा कि स्ट्रोंगली एग्री एग्री डोंट नो और उसके बाद जो है डिसएग्री uh, और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तो ये फाइव पॉइंट लिकट स्केल था जिसमें टू पॉजिटिव रिस्पांस कैटेगरीज थी और टू जो है वो नेगेटिव रिस्पांस कैटेगरीज थी uh, इससे जो आगे का स्केल है वो सेवन पॉइंट लिकट स्केल है और उसके बाद नाइन पॉइंट लिकट स्केल है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन सोशल रिसर्च वी यूज फाइव पॉइंट लिकट स्केल तो यहाँ पे ये डिफरेंट uh, मैं आपको uh, जो है लिकट स्केल की टाइप्स uh, uh, बता रहा हूं विद द रिस्पॉन्स सेट कि अगर आपके वेरिएबल में सेटिसफेक्शन uh, मैयर नहीं जा रही है तो आप उसका रिस्पॉन्स सेट कैसा होगा फॉर एग्जाम्पल आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस तो उसको uh, मैयर करने के लिए आप जो रिस्पॉन्स सेट यूज़ करेंगे वो कुछ ऐसा होगा वेरी सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड न्यूट्रल डिससेटिस्फाइड वेरी डिससेटिस्फाइड इसमें भी अगर आप देखें तो आपके पास दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं विद वन सेंट्रल वैल्यू जो कि सेंट्रल पॉइंट है अगर आप किसी चीज़ का लाइकलीहुड मैयर करना चाह रहे हैं कि देर इज़ पॉसिबिलिटी आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज टू टुडे तो उसकी ये लाइकलीहुड में जो हम रिस्पॉन्स सेट यूज़ करेंगे वो कुछ ऐसा होगा वेरी लाइकली लाइकली न्यूट्रल अनलाइकली वेरी अनलाइकली अगर आप किसी चीज़ का फ्रिक्वेंसी uh, मैयर कर रहे हैं कि आई रेगुलरली प्रेम माई प्रेयर्स तो आप इसमें प्रेयर्स की फ्रिक्वेंसी uh, देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स सेट होगा वो नेवर रेयरली समाइम्स ऑफन और ऑलवेज़ होगा ये वेरिएबल पे होता है कि आपका वेरिएबल क्या है उसमें आप सेटिस्फेक्शन मैय कर रहे हैं लाइकलीहुडनेस मैयर कर रहे हैं या उसकी फ्रिक्वेंसी मैय कर रहे हैं इसी तरह अगर आप किसी वेरिएबल uh, में क्वालिटी मैयर कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वट काइंड रिलेशनशिप्स यू हैव विद योर क्लास फेलोज और विद योर टीचर्स तो यहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप मैयर कर रहे हैं तो उसको हम जो रिस्पॉन्स है जो, उसके लिए जो यूज़ करेंगे वो ये होगा वेरी पुअर पुअर एक्सेप्टेबल गुड एंड वेरी गुड तो ये क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स या किसी भी और चीज़ की क्वालिटी को देखने के लिए या परफॉर्मेंस को देखने के लिए मैयर हो सकता है इसको यूज़ किया जा सकता है इसी तरह एग्रीमेंट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बाद अगर आपने किसी चीज़ की फेमिलरिटी देखनी है तो फेमिलैरिटी के हाउ मच यू आर फेमिलियर विद द फाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो वहाँ पे Uh, ये रिस्पॉन्स सेट यूज़ होगा कि वेरी फेमिलियर फेमिलियर सम वट फेमिलियर अनफेमिलियर और वेरी अनफेमिलियर इसी तरह आप समझते हैं कि आपको किसी वेरिएबल में इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की देखनी है तो उसके लिए फिर हम ये रिस्पॉन्स सेट यूज़ करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रल अन्पॉर्टेंट एंड वेरी अनइम्पॉर्टेंट जैसा कि अगर हम कहें कि के, वी नीड आई एम एफ पैकेज टू इम्प्रूव आवर इकॉनमी तो इसके लिए हम उसकी इम्पोर्टेंस देखना चाह रहे हैं तो उसमें ये रिस्पॉन्स सेट होगा तो लिक्विड स्केल के ये आपको मैंने जो है मेजर जो कैटेगरीज बता दी हैं इसके अलावा भी बहुत सारी लिक्विड स्केल की कैटेगरीज़ हैं जो कि ऑन दी नेचर ऑन दी बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ़ द वेरिएबल हम अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं मगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम जो चीज़ें मैयर कर रहे होते हैं किसी एक वेरिएबल में एग्रीमेंट फमिलरिटी इम्पॉर्टेंस लाइटलीहुडनेस और उसके बाद हम क्वालिटी और जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन मैयर कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम ये रिस्पॉन्स सेट्स यूज़ करते हैं